हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग वीडियोस कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं मेरी। आगे हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स देखे थे, यूनि मॉलिक्यूलर बाय मॉलिक्यूलर के बारे में बात करी थी, जो कि SN1 और SN2 रिएक्शंस होती हैं। मैकेनिज़म में हमने देखा था कि किस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है या कंपाउंड जो है हैलोजन कैसे अल्काइल हैलाइड से रिलीज़ होता है और दूसरा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो अभी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें हमने यूनिमोलिकुलर देख लिया है। सेकंड हम लोग देखेंगे उसका जो बी है, बी पार्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। इलेमिनेशन रिएक्शन नहीं देख रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बायोमोलिकुलर हम देख चुके हैं, सॉरी यूनिमोलिकुलर हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे क्या बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। इसको आप अदर वर्ड्स में या और करके क्या बोल सकते हो, एस कैपिटल एन भी कैपिटल लेकिन नीचे लिखाएगा टू पावर में SN2 रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से भी इसको बोला जाता है। मैंने बताया था आपको यूनिमोलिकुलर में क्या था, यूनिमोलिकुलर में एक मॉलिक्यूल के अंदर चेंज आ रहा था, बायोमोलिकुलर में हम देखेंगे दो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज आएगा। यूनिमोलिकुलर टू स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, स्लो और फास्ट। यूनिमोलिकुलर में क्या था, रिवर्सिबल भी था और इरिवर्सिबल भी था। आइए हम बायोमोलिकुलर देखते हैं। बायोमोलिकुलर क्या होता है? बायोमोलिकुलर में क्या होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेट आती है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये एक ही स्टेप होती है, क्या होती है, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। कंप्लीट तो मतलब क्या है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने का मतलब, जैसे कि हमने यूनिमोलिकुलर में देखा था कि टू स्टेप हो रही थी, एक स्लो हो रही थी एक फास्ट हो रही थी, इसमें भी स्लो और फास्ट का फंडा है, बट ये क्या है, एक ही स्टेट में एक ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। कैसे कंप्लीट होगी, जैसे कि आपने क्या होता है, आपके पास कंपाउंड है क्या RX, ठीक है। R मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, X मतलब आपका हैलोजन, कोई भी हैलोजन, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन किससे कराई, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल को हमेशा NU- का साइन, ठीक है। ये खुद भी नेगेटिव है, ये खुद पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, या आप बोल सकते हो ये क्या है, एक तरीके से आपका इसका नॉमनक्लेचर कर देते हैं हम, एल्काइल हैलाइड, है ना, या हैलोजन बोल सकते हो, एल्काइल हैलाइड बोल दो आप या हैलोजन बोल दो। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने किससे कराई, न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये स्ट्रांग होगा ये वीक होगा, ऑब्वियसली जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होगी तो हैलाइड जो खुद होगा वो कैसा होगा, वीक, और ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, ठीक है, तभी रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होना है, तो सिंगल स्टेप में आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, RX, ठीक है, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसमें बीच में क्या होगा, R रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट बननी है इसमें, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा लोन पेयर के साथ नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर आपका रहेगा X, ये भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये बीच वाली जो स्टेट आएगी इसमें, और फिर इसके बाद जाके मतलब ये हो रही है थोड़ी सी स्लो, और ये बीच की स्टेट बनेगी, और फिर आगे जाके हो जाएगी आपकी फास्ट, जो कि बन जाएगा आपका RNU और प्लस करके X आपका निकल जाएगा, ठीक है, लोन पेयर लेके इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। अब ये बीच वाली जो स्टेट है, सिंगल स्टेप में हम दिखा रहे हैं, स्लो और फास्ट दोनों में, लेकिन स्लो कब होगी, जब ये ट्रांजिशन स्टेट के पहले होगा, जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो फास्ट हो जाएगा। अब ये ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, ट्रांजिशन स्टेट या आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है तो एक टाइम पीरियड आता है, कुछ मतलब एक बोल सकते हो आपके एक पीरियड ऐसा आता है कि जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और आपका हैलोजन दोनों कनेक्ट रहते हैं, किससे, आपके R से मतलब कार्बन से। एक स्टेट ऐसी आती है कि जहाँ पे आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा अटैच किससे, कार्बन से, और हैलोजन भी कनेक्ट रहेगा, मतलब दोनों ही यहाँ पे क्या होगा, न्यू बॉन्ड का, न्यू बॉन्ड
फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड का क्या होगा, डिसोसिएशन या ब्रेकिंग होगा, ठीक है। लेकिन जब तक कि पूरी तरीके से न्यूक्लियोफाइल किससे, कार्बन से अटैच नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड यानी हैलोजन वहाँ से रिलीज़ नहीं होगा। मतलब पहले कंप्लीट तरीके से, एक तरीके से न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ होना मैंडेटरी है, और ओल्ड बॉन्ड का वहाँ से ब्रेक होना कंपलसरी है। तो वो स्टेट जो होती है, वो स्टेट या वो पीरियड जो होता है, वो टाइम जो होता है जहाँ पे कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव और हैलोजन नेगेटिव दोनों ही कनेक्ट रहेंगे, वो पीरियड या टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, यानी ये एक तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कार्बन से दोनों तरीके से अटैच रहते हैं। मतलब आपका वीक वाला पार्ट जो है, स्ट्रांग वाला पार्ट जो है, और वीक वाला जो पार्ट है न्यूक्लियोफाइल का, दोनों ही क्या करेंगे, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कार्बन है तो यहाँ पे OH हम मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, और हैलोजन में X के लिए हम ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, या फ्लोरीन या ब्रोमीन, ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो रहेगा ब्रोमीन और ये जो रहेगा OH, दोनों ही एक तरीके से क्या है, न्यूक्लियोफाइल। मैंने न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स आपको बताए थे, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास लोन पेयर भी रहेंगे, ठीक है। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये स्टेट जो रहेगी, मतलब एक तरीके से दोनों साइड से कार्बन से नेगेटिव पार्टिकल्स अटैच रहेंगे, उस स्टेट को बोला जाता है क्या, यहाँ पे ये हो गया आपका स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया आपका वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये फॉर्म जो हुआ, एक कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ, कार्बन की वैलेंसी आप कंप्लीट कर दें, हाइड्रोजन लगा दें, तो ये फॉर्म जो हुआ, ये कॉम्प्लेक्स जो बना या ये मॉलिक्यूल जो बना, इसको आप बोलोगे क्या, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस जो हो रही हैं साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, ठीक है। ये अलग अलग नहीं होंगी कि कुछ टाइम में ये लगेगा कुछ टाइम में, ऐसा नहीं होता, एक ही टाइम में दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको सिंगल स्टेप बोला जाता है, या फिर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल इसलिए बोला जा रहा है कि एक साथ इसमें और इसमें मॉलिक्यूल में चेंज आ रहा है। उसमें क्या हो रहा था, रिएक्शन जो हो रही थी यूनिमोलिक्यूलर में, वो टू स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। पहले आपका क्या हो रहा था, आर एक्स था, वो पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव में अलग अलग आर पॉजिटिव आयंस बना रहा था, प्लस एक्स नेगेटिव क्या बना रहा था यूनिमोलिक्यूलर में, कार्ब कैटायन बना रहा था। मतलब ये जो था कार्बन पॉजिटिव कार्ब कैटायन जिसको हम बोलते हैं, वो बना रहा था। और उसके बाद जाके सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, कार्ब कैटायन आपका न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहा था। यही किया था हमने, कार्ब कैटायन की रिएक्शन हमने फिर न्यूक्लियोफाइल से कराई थी। ये स्लो थी, ये फास्ट थी, ये थे यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली चेंज, मतलब एक मॉलिक्यूल में चेंज आ रहा है, सिंपल। और यहाँ पे एक साथ दो मॉलिक्यूल में चेंज आ रहा है, इसलिए इसको बायोमोलिक्यूलर या SN2 रिएक्शन बोला जाता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं, इसमें बायोमोलिक्यूलर जो मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट हाफमैन करके एक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अकॉर्डिंग बताया गया है, तो वो हम देखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, पर इसमें एक और चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि हमने यूनिमोलिक्यूलर में देखा था, तो यहाँ पे भी देखी जाएगी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, किसकी कंसंट्रेशन पे, अल्काइल हैलाइड की, हमने यूनिमोलिक्यूलर में देखा था, ना कि न्यूक्लियोफाइल में। लेकिन यहाँ पे इसका रिवर्स है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी क्या, कंसंट्रेशन पे, किसकी कंसंट्रेशन पे, आपकी अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है, और प्लस न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी। मतलब दोनों की कंसंट्रेशन अगर बढ़, दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन भी अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। मतलब अल्काइल हैलाइड हो, यानी ये हो आपका अल्काइल हैलाइड, मतलब ये कंपाउंड हो, इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है या इसकी नहीं बढ़ती अल्काइल हैलाइड की, तो भी आपकी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। यूनिमोलिक्यूलर में सिर्फ एक की कंसंट्रेशन देखी जाती है, जो कि क्या कहलाता है,
जाता है एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा था यहाँ पे R और X बॉन्ड बना था। ठीक है, R X बॉन्ड बोलते हैं हम इसको, मतलब कंपाउंड को एल्काइल हैलाइड के साथ, या आप बोल सकते हो C X बॉन्ड के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे एट ए टाइम सिमिलर या साइमल्टेनियसली R या आप बोल सकते हो C और X बॉन्ड भी बनता है, साथ में C और O बॉन्ड भी बनता है। OH है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, नेगेटिव पार्ट इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि C X बॉन्ड के साथ साथ C O बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, लेकिन इसमें एक रिएक्शन बहुत मैंडेटरी है जो कि पूछी जाती है, रिएक्शन विद अमोनिया, जिसका अदर नेम होता है हॉफमैन्स रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन्स रिएक्शन जो है वो देखते हैं हम वो क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं इसी में जो कॉमन है, मतलब जो SN2 रिएक्शंस हमने देखी, मतलब मैकेनिज्म उसकी देखी, तो उसके बेस्ड पे क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस दी गई हैं, रिएक्शन विद साइनाइड, रिएक्शन विद आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम नाइट्राइड, तो वो क्या है आप देख लीजिएगा बुक से, एक बार उनको रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें एक मैंडेटरी रिएक्शन है जिसको बोला जाता है रिएक्शन विथ अमोनिया। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है विथ अमोनिया। ठीक है, और अदर नेम इसका जो बोला जाता है, अगर नेमिंग वाइज हम देखें तो बोला जाता है हॉफमैन्स मेथड। ठीक है, आपको डायरेक्टली पूछ सकता है हॉफमैन्स मेथड से, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें अमोनिया आ रहा है। ठीक है, अमोनिया में डबल एम आता है, तो एम से आप याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, अमोनिया है, तो इसमें आप एम ए से भी इसको याद रख सकते हो हॉफमैन्स मेथड को, कि मतलब इसमें क्या होगा, रिएक्शन किसके साथ होगी, अमोनिया के साथ होगी। आपको समझ में नहीं आया, अब रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी लेकिन किसकी होगी, हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, एल्काइल हैलाइड, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, उसकी रिएक्शन आप किसी भी अल्काइल हैलाइड से करा दो, CH3 से करा दो, लेकिन बेसिकली जो हॉफमैन्स मेथड है वो रिएक्शन एक बनी हुई है उसी को आपको रेटिफाई करना है, डिफरेंट स्टेप में फॉलो होती है। इस रिएक्शन में अमोनिया के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, किसको, हमने लिया अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है। ठीक है, स्टेप वाइज लिख लीजिए आप, क्या करेंगे हम, हीट करेंगे, फिर और किस पे करेंगे, हाई प्रेशर पे करेंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हीट किया, हाई प्रेशर पे किया, किसके साथ किया, NH3, या आप बोल सकते हो क्या, इसको अदर नेम आप बोल सकते हो एल्कोहोलिक सॉल्यूशन लिया हमने अमोनिया का। ठीक है, ये आपको वर्ड्स में लिखना है, मैं एक आपको रूट बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको फॉलो करना है, हम रिएक्शन के बेसिस पे भी देखेंगे, और किस में करना है, इसको करना है क्लोज ट्यूब के अंदर करना है, जो कि फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म्ड डिफरेंट एमाइंस। ठीक है, अलग अलग एमाइंस बनाएगा ये, हमारा ये प्रोडक्ट बनना है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मतलब व्हेन द अल्काइल हैलाइड हीटेड एट हाई प्रेशर विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन अ क्लोज ट्यूब देन इट फॉर्म्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइंस। ठीक है, रिएक्शन के बेसिस पे देख लेते हैं, अल्काइल हैलाइड सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड में लेते हैं C2H5I, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, R ये हो गया C2H5 मतलब इथाइल, और X क्या हो गया आपका, आयोडाइड। ठीक है, मतलब ये आपका अल्काइल हैलाइड हो गया, C2H5I को क्या बोला जाता है, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, अमोनिया से, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अगर मैं NH3 को यहाँ पे 2 और H ऐसे लिख दूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे, इसको हीट किया, यहाँ पे लगा दो आप हाई प्रेशर। ठीक है, ये हो गया हमारा इथाइल अल्काइल हैलाइड हो गया, हीट कर रहे हैं हम, हीट का सिंबल बना दिया, हाई प्रेशर लगा दिया, अल्कोहलिक सॉल्यूशन अमोनिया ले लिया, एंड बनाना क्या है, क्लोज ट्यूब के अंदर डिफरेंट अमाइन, तो अमाइन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप बेसिकली देखो, बीच में से, सेंटर में से अगर हमने H ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है,
हाइड्रोजन यहाँ से और आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे। मतलब प्रोडक्ट क्या निकल रहा है यहाँ पे, एच आई निकल गया, और बन क्या रहा है, बचा क्या, C2H5NH2। इस तरीके से आप लिखोगे, मतलब ये हमारा कंपाउंड बना, इसको बोला जा, ये अमाइन है, NH2 को अमाइन बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे NH या NH2 लगा हुआ है वो अमाइन कहलाता है। तो अब इसमें इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलोगे इथाइल अमाइन, ठीक है, इसको बोलोगे आप इथाइल अमाइन। ये जो बोला जाएगा, मतलब पहला प्रोडक्ट, इसमें क्या हो रहा है, हमने लास्ट में बोला था डिफरेंट अमाइन बन रहा है। डिफरेंट अमाइन का मतलब कि एक क्लोज ट्यूब में एल्काइल हैलाइड जब अमाइन से या अमोनिया से रिएक्शन करता है तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइन बनाता है। तो मतलब इसमें क्या होंगे, बहुत सारे अमाइन बनेंगे। अब अमाइन कैसे बनेंगे, ये वाला जो बना, ये पहला बना, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन देखते हैं, सेकेंडरी अमाइन कैसे बनेगा, अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, यही है हमारा जो बना C2H5NH2, ठीक है। रिएक्शन बहुत इजी है, अगर इसको देखोगे आप तो बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी। C2H5NH2 जो बना है, इसी की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, C2H5IC। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेस क्वांटिटी में दोनों चीज़ें ले रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता जा रहा है वो एल्काइल हैलाइड से आगे रिएक्शन करके और क्या बनाते जा रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइंस बनाता जा रहा है। अब इसकी रिएक्शन हम फिर से करा देते हैं C2H5 से आई से, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे लिख दें, C2 यहाँ पे लिखा है NH2, ठीक है, आई को मैं अगर इस साइड लिख दूँ C2H5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी क्या होगा आपका, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस तरीके से अगर हम लिखें, या नहीं भी लिखते हो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे निकलने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एच आई रहेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और बनेगा क्या, C2H5 है, C2H5 दो हो गए, तो C2H5 को हम ब्रैकेट में इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और बचा क्या आपका, NH बचा, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन NH2 से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये NH3 था, यहाँ पे NH2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना था NH2, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन के साथ आयोडीन लेके निकल गया और NH बच गया। इसको क्या बोलोगे आप, डाई इथाइल, ठीक है, नाम याद रखना है आपको, डाई इथाइल, क्यों, क्योंकि दो इथाइल हैं और बाकी क्या क्या, अमाइन, ये अमाइन रहेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड निकल जाएगा। इसको बोला जाता है सेकेंडरी अमाइन। हाफमन्स रिएक्शन लिखने को आएगी, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट करना है फिर और रिएक्शन, और अमाइन बनना है, और अमाइन कैसे बन सकते हैं, यही ले जाते हैं C2H5NH, ठीक है, जो कंपाउंड हमारा बना होल ब्रैकेट में 2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें फिर किससे करा देनी है, C2H5I से, अल्काइल हैलाइड से। फिर यहाँ से क्या होगा आपका, फिर यहाँ से आपका निकलेगा क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड, एच आई निकल गया, बना क्या आपका, अब कितने हो गए, C2H5 2 ऑलरेडी था, एक और ऐड हो जाएगा उसमें, C2H5 कितने हो जाएंगे, 3, और आपका सिंगल क्या बच गया, एन बच गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम टर्शरी अमाइन, साथ में दोनों चीज़ें बोली जाएंगी, ठीक है। अब इसमें और भी रिएक्शन हो सकती है, फर्दर देख लेते हैं क्या हो सकता है लास्ट में। ये 4 स्टेप में रिएक्शन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाइंस, जब तक कि पूरा वहाँ से एन अगर आप बोलो कि नहीं निकल जाता या उसमें एक कंपाउंड कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाता। जनरली हाफमन्स रिएक्शन में लास्ट में एंड में आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, देखते हैं क्या बनता है। अब टर्शरी अमाइन ले लेते हैं हम, C2H5 होल थ्राइस एन, ये है आपके पास कंपाउंड, यहाँ पे आपका आयोडीन C2H5, ठीक है, इसको यहाँ लिखो, बात एक ही है बस, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से क्या कंपाउंड निकल रहा है, ठीक है। ये हो गया, अब इसकी फिर रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई चीज़ रिलीज हो सकती है क्या, नाइट्रोजन खुद भी नेगेटिव है, आयोडीन खुद भी नेगेटिव है, रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे बनेगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड C2H5 होल 4, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ये हमारा कौन सा आ गया ब्रैकेट, हमने पहले भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट अब बोलते हैं इसको, ठीक है। आपका कितने हो गए, C2H5 4 हो गए, N पॉजिटिव अंदर में आ जाएगा,
जब ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट आएगा और ये बना लेगा खुद का नेगेटिव आयंस बना लेगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन आयंस बन गए, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके टोटल, टेट्रा इथाइल अमोनियम इसको बोला जाता है आयन, ठीक है, इसको बोला जाएगा टेट्रा इथाइल अमोनियम आयन, और इसको आप बोल सकते हो क्वार्टनरी अमाइन। तो ये इस टाइप से डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइंस या अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की, इसको बोला जाता है हॉफमन्स रिएक्शन या हॉफमन्स मेथड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इसके बाद और भी रिएक्शंस दी हुई हैं, आप एक बार बुक से उसको चेकआउट कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम लगती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी इलेमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं हमारी सेकेंड रिएक्शन, दैट इज इलेमिनेशन रिएक्शन। इलेमिनेशन रिएक्शन को अदर वर्ड्स में और करके भी बोला जाता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। इलेमिनेशन का मतलब इलेमिनेट करना, मतलब किसी भी चीज़ को, नाम से ही इलेमिनेट मतलब किसी चीज़ को निकाल देना, वहाँ से हटा देना। रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में से किसी भी मॉलिक्यूल या एटम्स का वहाँ से निकलना, ठीक है। लेकिन कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इलेमिनेशन रिएक्शन में जनरली होता ये है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एक साथ या दो एटम्स एक साथ या दो ग्रुप एक साथ निकलते हैं, एक्सपेल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सपेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक साथ कितने, टू मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप, टू एटम्स बोल सकते हो या टू ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है, और करके टू ग्रुप्स, ठीक है, एक साथ क्या हो जाएं, एक्सपेल्ड या इलेमिनेट हो जाएं। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके उसमें दो चीज़ें एक साथ निकल रही हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, इलेमिनेशन रिएक्शन। व्हेन द टू एटम्स मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स आर एक्सपेल्ड आउट इन अ केमिकल रिएक्शन, देन इट इज़ नोन एज इलेमिनेशन रिएक्शन, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, डी का मतलब क्या होता है, मतलब नेगेटिव, डी का मतलब डेफिशिएंसी, मतलब कमी, यानी आप बोल सकते हो वहाँ से कोई भी चीज़ निकल गई। अब दो वर्ड हैं यहाँ पे, एक हाइड्रो लिखा है, एक हेलोजिनेशन लिखा है। डी का मतलब हो गया वहाँ से कमी आ जाना, निकाल देना, एलिमिनेट हो जाना, है ना। अब हाइड्रो वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, वाटर के लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। मतलब यहाँ से क्या होगा इस एलिमिनेशन रिएक्शन में, यानी जब भी कोई भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी किसी भी चीज़ के साथ, कोई कंपाउंड के साथ, तो उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, पहली चीज, ठीक है। दो ग्रुप की बात हो रही है, दो एटम की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ से डिहाइड्रो हो रहा है, तो एक तो हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। दूसरा क्या है, हेलोजिनेशन, दोनों के सामने लगा है डी, मतलब दोनों के लिए है, मतलब डिहाइड्रो और डी हेलो, मतलब कि हेलोजन, यहाँ से हेलोजन भी क्या होगा, रिलीज होगा। तो कितने हो गए, दो मॉलिक्यूल या दो ग्रुप हो गए, तो दो मॉलिक्यूल या दो ग्रुप का वहाँ से निकलना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और वो भी कौन से मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक हेलोजन, दोनों, मतलब वहाँ से केमिकल रिएक्शन जो होगी वहाँ पे दो ही चीज़ें निकलेंगी, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक हेलोजन निकलेगा। ये कॉमन है, ये नेम से ही क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि हमारी है C2H5 की रिएक्शन Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं KOH से, ठीक है। मतलब व्हेन द इथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ अल्कोहलिक, या आप बोल सकते हो अल्कोहलिक, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल है, OH है, ये एसिडिक भी होता है, ठीक है, अल्कोहलिक के लिए ALC ऐसा शॉर्ट में भी लगाया जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, इथाइल क्लोराइड से, दैट इज अल्काइल हैलाइड, ठीक है, KOH से रिएक्शन कराएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन है, दो कंपाउंड का निकलना मैंडेटरी है। बेसिकली अगर आप देखो सीधे सीधे यहाँ से KCl निकल गया, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन, पोटेशियम जो है वो क्लोरीन को लेके निकलेगा, तो ये KCl यहाँ से निकल रहा है, मतलब आपका हेलोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। एक कंपाउंड निकला,
अब बचा क्या OH, OH इससे ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो वर्ड है, वाटर का भी निकलना ज़रूरी है। तो ये एक हाइड्रोजन किससे ले लेगा, इथाइल से ले लेगा, इथाइल से लेकर वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, H2O निकालना ज़रूरी है और KCl दोनों निकाल दिए, बचा क्या अब अपने पास C2H4, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। काउंट करके देखोगे आप, मतलब एक फाइव है यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, कितने बचे फोर, मतलब ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना आपका इथीन डबल बॉन्ड, मतलब इथीन आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रोडक्ट इथीन का फॉर्मेशन होगा और वाटर और आपका हैलोजनेशन, मतलब हैलोजन का वहाँ से रिमूवल होगा। अच्छा, इसमें अगर कार्बन की चेन लंबी हो जाती है, अगर सी कार्बन की टू की जगह थ्री हो जाते हैं, फोर हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा करके इस तरीके के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। जब अल्फ़ा कब यूज़ किया जाता है, जब कार्बन की, मान लो ये लॉन्ग चेन है, ठीक है, ये तीन कार्बन की चेन है मान लो, अब इस कार्बन के साथ या इस कार्बन, मतलब इधर से ले लो या इधर से ले लो, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन सॉरी हैलोजन लगा हुआ होगा, मतलब यहाँ से मान लो आप कि इससे हैलोजन अपना अटैच है इस वाले कार्बन से, तो इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे, ठीक है। इसके नियर बाय जो रहेगा, मतलब एडजेसियंट कार्बन जो रहेगा बगल वाला, उसको हम बीटा बोलेंगे। इस तरीके से इनका थोड़ा सा नॉमनक्लेचर किया जाता है, मतलब कि अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ये आप याद रखिएगा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे और उसके एडजेसियंट वाले को बीटा बोलेंगे। इसीलिए इसको, मतलब इसके साथ हैलोजन, अल्फ़ा के साथ क्या हो रहा है, हैलोजन लगा है तो ये रिमूव हो रहा है, तो इसलिए। और दूसरा, एडजेसियंट कार्बन से या इसके बगल वाले कार्बन से क्या ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, तो इसीलिए इसको बीटा बोला जाता है। तो अल्फ़ा और बीटा दो चीज़ें हो गई, तो दो चीज़ें एक साथ निकल रही हैं, इसलिए इसको एलिमिनेशन इन अदर वर्ड्स भी इस तरीके से भी बोला जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब थर्ड हमारी क्या बची थी, थर्ड है हमारी रिएक्शन विथ मेटल, है ना, यही थी रिएक्शन विथ मेटल, मतलब अल्काइल हैलाइड की मेटल के साथ रिएक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे मेटल में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं, अल्काइल हैलाइड में हम ले लेते हैं C2H5, ठीक है, और X, ठीक है, यह सीधे फॉर्मूले के पहले बेसिस पे लिखते हैं, फिर हम उससे RX है अल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम से। जब जनरली जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पर ड्राई ईथर का यूज़ किया जाता है और इसको हीट किया जाता है, ठीक है, ड्राई हीट मत लिखना, यहाँ पे ड्राई ईथर है और ये हीट किया जा रहा है। तो ये बनाता क्या है, एक ही कंपाउंड बनाता है, जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होती है तो ये बनाता है ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद रखिएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। वर्ड से भी पूछ सकते हैं आपको, नेमिंग रिएक्शन हमने अभी तक कम से कम 5-6 नेमिंग रिएक्शन देख चुकी हैं, हाफ मंथ्स हो गया, ग्रिगनार्ड हो गया, इसके पहले भी मैंने 2-3 रिएक्शंस बताई थी। तो ये आपको नेमिंग रिएक्शंस जो हैं, आप एक अलग ही चार्ट बना लीजिएगा या अलग ही पार्ट में लिख लीजिएगा, जो रिएक्शंस कॉमन है वो तो आपको पता ही है कैसे करानी है, लेकिन जो नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको आप अलग से नोट डाउन कीजिएगा, एक मतलब एक आप टेबल बना लो या जैसे भी आपको रखना है, अलग से सारी नेमिंग रिएक्शन एक साथ। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या होगा, RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा, RMGX, मतलब यहाँ से कोई भी कंपाउंड क्या होता है, रिलीज़ नहीं होता है, सारे कंपाउंड एक साथ अटैच हो जाते हैं। मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड भी ऐड रहता है और हैलोजन भी ऐड रहता है, इसको हम बोलते हैं अदर वर्ड्स में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको पढ़ा चुकी हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में भी पढ़ा था। आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, जो RMGX होता है ये पूरा अटैच हो गया इस कंपाउंड को, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट बोला जाता है, याद रखिएगा, RMGX इज ऑल्सो नो, RMGX का नाम है, इज नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब इसको एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे R का मतलब है हमारा C2H5 और X के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन या आयोडीन या जो भी आपको लेना है, ठीक है। C2H5 Cl ले लिया, इसके साथ मैग्नीशियम ले लिया,
हीट कर लिया, ड्राई ईथर हो गया आपका यहाँ पे, तो क्या होगा, सी टू एच फाइव रहेगा, बीच में मैग्नीशियम, यहाँ पे आपका सी एल, इस तरीके से आप इसको लिखोगे, मतलब सी टू एच फाइव एक साइड लगाएगा, मैग्नीशियम क्लोरीन। अब इसको अगर नाम देना है तो नाम कैसे देंगे, ये तो फॉर्मूला था ग्रिगनार्ड रिएजेंट, लेकिन इसको नाम कैसे देंगे हम, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम रहेगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हो गया आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें और भी रिएक्शन है, दो तीन रिएक्शन जैसे कि वुड्स रिएक्शन है, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, पहले हमने देख ली रिएक्शन विथ मेटल, जिसको आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हो, रिएक्शन विथ मेटल में हमने मैग्नीशियम के साथ कराई, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना। सेकेंड देखते हैं रिएक्शन विथ, आप बोल सकते हो सोडियम, ठीक है, या फिर इसको नेमिंग रिएक्शन ही है वैसे तो, इसको बोला जाता है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सोडियम के साथ रिएक्शन, किसकी, अल्काइल हैलाइड की, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला RX, उसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी आप बोलोगे क्या, हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी यहाँ पे ड्राई ईथर की, जैसे मैग्नीशियम किया वैसे ही सोडियम को करेंगे। तो बनाता क्या है ये, जब वुड्स रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, याद रखिएगा हमेशा जो वुड्स रिएक्शन, जब भी सोडियम के साथ इसको हीट किया जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा क्या आपका, एल्केन, आर आर, ये आपका एल्केन होगा, और सोडियम आयोडाइड या सोडियम हैलोजन, ये सोडियम हैलाइड वहाँ से निकल जाएगा, रिलीज होगा। एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, अच्छा ये रिएक्शन में आप फॉर्मूले के बेसिस पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस आएंगी वो आपको देखने को मिलेंगी, नेमिंग रिएक्शन हुई या केमिकल रिएक्शंस हुई, तो उनको जनरली आप पहले फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद एग्जांपल से रिप्रेजेंट करोगे, तो उससे आपका इंप्रेशन जो है, मतलब जब आप लिखोगे बोर्ड की जो कॉपियाँ होती हैं उससे आपका अच्छा पड़ेगा। अब जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा, तो ऑब्वियसली उसको भी पता चलेगा कि हाँ आपको पता है, ठीक है। अब R का मतलब C2H5 ले लेते हैं, X मतलब कोई भी हैलोजन, आयोडीन ले लेते हैं, आयोडाइड, ठीक है, इथाइल आयोडाइड हो गया, क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम से, सोडियम यहाँ पे आप बैलेंस कर लो, 2 निकलेगा एल्केन ड्राई ईथर, ठीक है, तो यहाँ C2H5 एल्केन निकालना है हमें, यहाँ पे एल्केन बनाना है, यहाँ पे हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होगा, C2H5 हो जाएगा प्लस NaI, यहाँ से सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा। C2H5 2 हमने इसलिए लिया है बैलेंस करने के लिए क्योंकि एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। C2H5 को अगर आप ऐड करोगे RR को, तो ये होगा आपका बेसिकली C4H10, जिसको बोला जाता है क्या, ब्यूटेन, ठीक है। एल्केन मतलब C2, आपने, मैंने केमिकल फॉर्मूला CnH2n+2 मैंने बोला भी था आपको प्रीवियस वीडियो में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी किया है, मुझे अच्छा लगा आपने रिप्लाई किया, कुमकुम चौहान करके हैं, उन्होंने रिप्लाई किया है, प्रॉपर उन्होंने बताया है एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो कीप इट अप कुमकुम, अच्छा कर रहे हो आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन हमें, नेक्स्ट मतलब ये जो जब भी आपको लिखने को आता है, राइट दी शॉर्ट नोट अगर आ जाए या नेमिंग के वाइज आ जाए, तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। ये ब्यूटेन बन गया आपका, थर्ड आते हैं रिएक्शन विथ जिंक, ठीक है, रिएक्शन विथ जिंक का अगर आते हैं हम, इसमें क्या होता है, इसको भी बोला जाता है फ्रैंकलैंड, इसमें बनता है रिएजेंट, जैसे उसमें मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन हो रही थी तो ग्रिगनार्ड बना था, जिंक के साथ जब रिएक्शन होगी तो इसमें फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनेगा। ये फ्रैंकलैंड ने रिएक्शन दी होगी इसलिए उनके नाम से ही ये रिएजेंट्स बने हैं, रिएजेंट मतलब सॉल्यूशन बने हुए हैं प्रॉपर, ठीक है, उससे ऑल नोन सभी को उस मतलब जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है सभी जगह इसी नाम से उसको बोला जाता है, डिनोट किया जाता है। तो रिएक्शन विद जिंक देख लेते हैं, फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, RX लिखेंगे, जिंक के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपका RZN बनेगा प्लस हैलोजन निकल जाएगा, ठीक है, X निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको फॉर्मूले के बेसिस पे लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो C2H5 ले लेते हैं,
क्लोरीन ले लेते हैं, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जिंक के साथ, ठीक है, क्या होगा, इसको आप बैलेंस कर लो, जिंक अकेला निकलेगा क्या, अकेला भी निकाल सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, जिंक हैलाइड भी निकाल सकते हो, नहीं निकालना तो आप सिंपल लिख सकते हो, ठीक है, तो C2H5Zn प्लस क्लोराइड अकेला भी निकाल सकते हो, या ZnCl2 करके निकालोगे, इसको बैलेंस कर सकते हो आप, ZnCl2 2 लिख दो यहाँ पे, जिंक क्लोराइड, यहाँ पे ये जो रिएजेंट बना इथाइल जिंक आप बोलोगे इसको, या अल्काइल जिंक बोलोगे इसको, इसको क्या बोल सकते हो आप, ये वाले कंपाउंड को बोलोगे क्या, अल्काइल जिंक, इसको नाम दोगे आप इथाइल जिंक, या ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलोगे आप फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट, अल्काइल जिंक या अल्काइल इथाइल जिंक, इस तरीके से, मतलब अल्काइल हैलाइड जब जिंक से रिएक्शन करेगा, तो ये कुछ रिएक्शंस थी, इसके आगे भी है, लिथियम के साथ रिएक्शन कराओगे या और भी हैं बहुत सारी मेटल में, आपको जितनी भी मेटल्स हैं उनके साथ करा सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी बिकॉज ये नेमिंग वाइज हो रही हैं, इसमें रिएजेंट्स जो बन रहे हैं नेमिंग वाइज बन रहे हैं, जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन करी है, तो आप ये ऐसे राइट डाउन करके एक जगह कॉपी में भी मतलब जैसे चाहें आप उसके अपने मतलब कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिख के याद कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये सब्सटीट्यूशन वाला, ये लैमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल वाला टॉपिक क्लोज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के, बहुत सारे हैलोजन जब एक अल्काइल या अल्काइल कंपाउंड से जुड़ते हैं, मतलब पॉली हैलोजन का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बन है तो इसके साथ अगर आयोडीन है तो इसके साथ ब्रोमीन भी जुड़ा है, इसके साथ क्लोरीन भी जुड़ा है, मतलब बहुत सारे हैलोजन एक ही कार्बन से जब कनेक्ट होते हैं तो उनको पॉली हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या हुआ था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, या उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़े थे कि साथ में हैलोजन हैलोजन जब ऐड होता है, तो ऐसे ही पॉली हैलोजन कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे कार्बन आ जाता है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है, वो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो, यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, व्हाट्सअप है या टेलीग्राम है उस पर भी आप मैसेज करके, मेरा नीचे लिंक है उस नंबर डला हुआ है, आप उससे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे जो है नोटिफिकेशंस मिलते जाएं, बेल आइकन है उसको प्रेस करें तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है या प्रीवियस वीडियो हैं उनके लिंक्स आपको मिलती जाएंगी।